विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को घेरा और ये कह दिया कि विपक्ष का चेहरा भयानक और डरावना है, कोई इन्हें पहचान नहीं सकता। अगली बार आप लोग अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इन्हें करना धरना कुछ नहीं है, इन्हें लूट कर खाने की आदत है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाने साधे और इन निशाने साधनों की प्रक्रिया में हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र भी कर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, ये आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहते हैं। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। हमने किसानों की कर्ज माफी की, कई जिलों में सुखाड़ है। हम किसानों के लिए जल्द एक बेहतर योजना लाने वाले हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अगर मैंने एक एक के बारे में बोलना शुरू किया तो ये सत्र भी कम पड़ जाएगा। हमें डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। इस राज्य की जनता जाग गई है, बड़ा काम करने की कोशिश कीजिए। जब देश का प्रधानमंत्री राज्यों से द्वंद्व कर रहा हो तो देश का क्या खाक विकास होगा। हेमंत सोरेन ने यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी को निशाने पर ले रही है और ये कुर्सी छीनना चाहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।